अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं आज आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो माय यूट्यूब फैमिली, आज का हमारा टॉपिक है 10 सनस्क्रीन टिप्स। एंड पर्सनली आई विश आई न्यू अर्लियर फॉर अ परफेक्ट स्किन। ठीक है, तो सनस्क्रीन जो है ना, हमें सन से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो मैं आज आप लोगों के साथ, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि समर चल रही है, गर्मियों का सीज़न है, तो हम इससे अपनी स्किन को कैसे प्रोटेक्ट रख सकते हैं इतनी तेज़ धूप से। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो आपके जो हेड है आपका, वो कवर होना चाहिए। अगर आपके पास हेड है तो लें, अगर नहीं है तो बाय कर लें, और अगर बाय नहीं कर सकते तो कोई भी कपड़ा वगैरह लेके हो तो उसको अपने सर पे बांध के, मतलब ज़रूर रखें, अपने हेड को कवर करके रखें। ओके जी, नेक्स्ट टिप है कि आप जो है ना, सनस्क्रीन का, सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूर करें। सन ब्लॉक इस्तेमाल करें क्योंकि आपकी स्किन जो है ना, अभी तो नहीं लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद बहुत ज़्यादा जो है ना, डल होना शुरू हो जाएगी। बहुत सारे इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं, तो इसलिए सन ब्लॉक का इस्तेमाल जो है ना, वो ज़रूर करें जब आप बाहर जाने लगे। बिना वजह घर से बाहर मत निकलें इस गर्मी में। ओके जी, थर्ड टिप की तरफ मूव ऑन कर बढ़ते हैं और क्या बताती हूँ, आप अपने साथ जो है ना, पानी की बोतल ज़रूर लेके निकलें। ठीक है जी, और पानी हाइड्रेट रहें, और हो सकता है आपको कहीं पे कोई बर्ड्स वगैरह भी नज़र आ जाए। समटाइम्स होता है ना कि चिड़ियाँ वगैरह जो है वो ऐसे, मतलब गर्मी की वजह से अपनी ढालों के, मतलब वो गिरी होती हैं, आप उनके ऊपर पानी डाल सकते हैं, उन्हें मतलब रेस्क्यू वगैरह भी कर सकते हैं, ख़ुद भी पानी पी सकते हैं, राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरी टिप है आप लोगों के लिए कि गर्मियों में जो है ना, आप जी, सेकंड टिप है कि अर्ली मॉर्निंग निकलें, जहाँ पे भी जाना है आपने, जो भी काम वगैरह करना है, या फिर आप शाम के टाइम पे निकलें। मींस इतनी सख्त धूप में अवॉइड करें जाने से, मतलब ऐसे सनरेज आपके पड़ सकती है ना कि यू कॉन्ट इवन इमेजिन। सो गाइस, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपको पता है बहुत मेहनत से ये वीडियोज़ वगैरह बनती हैं। तो इससे पहले कि मैं चैनल पे आगे बढ़ूँ, यहाँ मैं आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करती चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि बहुत मेहनत से एफर्ट डाल के आप लोगों के लिए वीडियो की रिकॉर्डिंग की जाती है, और मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ अपनी फिटनेस रूटीन भी शेयर करने लगी हूँ। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाए। ओके जी, नेक्स्ट टिप है कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपको बहुत अर्जेंट जाना भी है बाहर, वैसे तो बाहर ना ही निकलें इतनी धूप में, लेकिन अगर आपको जाना पड़ गया है तो अपनी गाड़ी को इसी जगह पे ऐसी जगह पे पार्क करें ना जहाँ पे शेड हो, और ख़ुद भी जो है वो शेडो में रहें। अगर आपको कहीं पर वेट वगैरह भी करना है तो शेडो ज़रूर ढूँढें और ख़ुद को प्रोटेक्ट करें, राइट। तो सन ग्लासेस का इस्तेमाल ज़रूर करें, और अपने साथ ज़रूर कैरी करके निकलें, अपने बैग में रखें, और इसी तरह से अपने प्यारों का भी ख्याल रखते रहें और अपना भी ख्याल रखते रहें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी स्पेशल लगी होगी और काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके। अच्छा, तो आप अपने साथ जो है वो अम्ब्रेला ज़रूर कैरी करें और छतरी लेकर निकलें शेडो के लिए। अच्छा, तो आप लोग ना जो सन ब्लॉक है वो SPF 30 यूज़ करें, उससे कम वाला बिल्कुल भी यूज़ ना करें। जैसे कि SPF 15 मिलता है जो कि, लेकिन वो ना आप लोगों की स्किन को उतना वो नहीं देता, मतलब कवरेज नहीं देता, और इवन के डबल लेयर भी आप उसकी कर लें तब भी वो कवरेज नहीं देता। तो इट्स ओके, आप थोड़े पैसे ज़्यादा स्पेंड कर लें, लेकिन अपनी स्किन की जो है ना, वो थोड़ी केयर कर लें, क्योंकि बाद में जब आपकी स्किन का होगा तो डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इतने एक्सपेंसिव है कि एक एक सिटिंग का जो है वो 30 से 40 के चार्ज कर रहे हैं, और एक सिटिंग में आप लोगों को रिजल्ट्स भी नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो मतलब 3 से 4 लो तब जाके जो है ना, आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिलता है। तो ये थी आज की टिप्स, ये टिप्स अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जो है इस चिलचिलाती हुई गर्मी से जो है ख़ुद को महफूज रख सके। तो जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, और पानी, ख़ुद को मतलब हाइड्रेट रखें, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखें, और सन ग्लासेस का इस्तेमाल ज़रूर करें, हेड का इस्तेमाल ज़रूर करें, और अपनी गाड़ी और जैसे भी व्हीकल्स वगैरह को शेडो में पार्क करें। ख़ुद भी अगर कहीं बाहर वगैरह गए हुए हैं तो शेल्टर ज़रूर रखें अपने जहन में, शेडो में रहें।
सो गाइस, मिलती हूँ न्यू वाली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें और दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें, और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बाय बाय।